खट्टा मीठा तीखा और चटपटा, बस यही खाने का मन करता है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कैरी आती है। तो देखिए ये कैरी आ गई है मेरे मायके से, यानी कि मेरी मम्मी आई हैं, और वहाँ हमारे बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार और यूपी में तो बहुत ज़्यादा आम होते हैं, होते तो सारे स्टेट में हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं और अदर स्टेट में भी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार और यूपी में ज़्यादा आम होते हैं और हमारे यहाँ तो होते ही हैं, तो इसलिए मम्मी लेकर के आई थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज इसका कुछ मीठा तीखा चटपटा बनाया जाए, तो यही सोचते मैंने कहा कि चलिए बनाते हैं इसे, और लगे हाथों तो मैंने कहा कि वीडियो भी शूट कर लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये आम, और आम को मैंने अच्छी तरीके से पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगो देने से क्या होता है कि जो आम की जो तासीर होती है, गर्माहट, वो कम हो जाती है। तो मैंने ये चार बड़े साइज़ के आम ले लिए हैं, यानी कि कैरी ले ली है। और जब भी आप बनाएं, मतलब कैरी का कुछ भी बना रहे हैं, तो कैरी अच्छे तरीके से कच्ची होनी चाहिए, यानी कि टाइट होनी चाहिए। अगर पिलपिली सी रहेगी तो उसका कुछ भी आप बनाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट बैठता नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कच्ची कच्ची कैरी है, और ये देखिए आपको देख करके लग रहा होगा कि इनका साइज़ कितना बड़ा है। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया है, और धो लेने के बाद मैंने इन्हें एक सूती कपड़े से पोंछ लिया है। तो आप कभी भी कुछ भी बनाएं, अगर आम का बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, या कुछ भी अदर चीज़ बना रहे हैं, तो आप हमेशा उसको धो करके और अच्छी तरीके से पोंछ लेने के बाद ही आप इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने ये चारों आम के छिलके उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे कि ग्रेटर की मदद से इसे अच्छी तरीके से ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इसे काट करके भी काम में ले सकते हैं, यानी कि काट करके भी इसकी रेसिपी बना सकते हैं। आप पतली पतली स्लाइसेस में आम को काट लें और उसके बाद इसे बनाएं, लेकिन मेरे पास तो ग्रेटर है, तो मैं ग्रेटर की मदद से इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए इसकी बिल्कुल पतली पतली जो स्लाइसेस निकलती हैं, मतलब लच्छे निकलते हैं, उससे ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी शादी होती है, मतलब इस मौसम में शादियाँ होती हैं, तो उसके अंदर ये हमेशा बनाया जाता है। जो चटनी होती है, बहुत तरीके की चटनी बनाई जाती है, तो अभी तो स्पेशली आपको शादियों में तो ये खाने को मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी कैरी को ग्रेट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि मैंने ये गुड़ लिया है, तो आप जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें, तो गुड़ का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बैठता है। और गुड़ आप लें तो हमेशा साफ़ गुड़ लें, ज़्यादा किरकिरी वाला गुड़ नहीं लें। अगर आपके पास ज़्यादा किरकिरी वाला गुड़ है, तो उससे क्या होता है कि आप उसे पहले उबाल लें, मतलब उसे गर्म कर लें, मेल्ट कर लें, और उसके बाद उसे छान करके काम में लें। लेकिन मैंने ये बिल्कुल अच्छा गुड़ मंगाया था, इसमें बिल्कुल भी किरकिरी नहीं है। तो मैंने दो मीडियम साइज़ की गुड़ की भेली लेकर के और उसे काट करके डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधी कटोरी चीनी डाली है। तो गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, और चीनी डाल देने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और आप गुड़ और चीनी का, तो मैं आपको एक रेशो बताती हूँ कि जितना खट्टा होता है आप उसके हिसाब से गुड़ और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जो कैरी होती है वो कच्चे में भी मीठी होती है, लेकिन ये वाली जो कैरी है ये बिल्कुल खट्टी खट्टी है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा गुड़ और चीनी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे कि एक मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने एक चम्मच जीरा ले लिया है, साथ में एक चम्मच मैंने सौंफ ली है, और आधा चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना लिया है, साथ में आधा चम्मच अजवाइन ली है। तो इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से ले लेने के बाद, उसके बाद मैंने इसमें 8 से 10 काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च का तीखापन बहुत ही अच्छा था इसके अंदर, और इसे हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आराम से भून लिया है। तो आपको इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूनना है, इसे जलाना नहीं है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम होती है तो उससे क्या होता है कि मसाले बहुत तेज़ी से जल जाते हैं, और अगर ये जल जाएंगे तो इसका टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इन्हें भून लिया है, और इन्हें रखा है मैंने ठंडा होने के लिए। और तभी मैंने इधर बर्नर के ऊपर चढ़ा दी है कैरी, जिसमें हमने चीनी और गुड़ डाल करके रखा था मेल्ट होने के लिए। अब क्या करेंगे कि ये ठंडा हो गया है, तो मैं इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाऊंगी। तो आप जब भी इसे पीसें, तो अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप इसे पल्स मोड पर ही पीसें, और अगर आप सिलबट्टे पर पीस रहे हैं या आमाम दस्ते में पीस रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखें, क्योंकि मोटे का, जैसे हम मोटा मोटा पीसते हैं या कूटते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए आपको इतना ही मोटा या दरदरा इसे कूटना है। तो देखिए मैंने तो इसे दरदरा सा कूट लिया है, मतलब दरदरा सा पीस लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके से आप इसे
पीस करके रेडी करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप इस मसाले को अचार के अंदर भी काम में ले सकते हैं। मैं आपके साथ अचार की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तब आप देखना कि मैं इसी मसाले को उसके अंदर डालूँगी और कितना अच्छा टेस्ट आएगा। और इधर जब हमारा मसाला पीस करके हो गया है रेडी, तब तक हम चेक कर लेते हैं कि गुड़ और चीनी कितना मेल्ट हुआ है। तो ये लगभग 70 से 80% तक मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने आधा चम्मच इसमें काला नमक डाला है, साथ ही में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रेगुलर नमक डाला है लगभग 1 चम्मच। साथ ही में मैंने इसमें तीखी वाली मिर्च डाली है। अगर आप तीखी मिर्च कम खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद हमने जो मसाले पीसे थे खड़े मसाले, मैंने उन मसालों को पीस करके और उसका पाउडर बना लिया है और उसी मसाले को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। आपने देखा होगा कि मैंने अभी इसे मिक्सर में पीसा था, तो इसी मसाले का आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ मसाला भर करके डाल दिया है और अब हम इसे धीरे धीरे आराम से चला लेंगे। तो देखिए इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 8 से 10 मिनट में ये बन करके रेडी हो जाता है। और आप हमेशा जब भी खट्टी चीज़ बनाएं तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल ना बनाएं। अगर कैरी का कुछ भी बना रहे हैं तो मैंने तो इसे स्टील के बर्तन में बनाया है, तो स्टील के बर्तन में अगर आप बनाते हैं तो इसे बीच बीच में आप चलाते रहें, नहीं तो क्या होता है कि गुड़ और चीनी के कारण चिपक जाएगा। तो चिपक जाने से क्या होगा कि ये पूरा ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और देखिए ये बन करके करीब करीब तैयार हो गई है। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो आप इसके अंदर अपने मन के अनुसार काजू, किशमिश, बादाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है, लेकिन मैं शूट करना भूल गई थी तो मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है। और आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे महीने भर आराम से स्टोर करके खा सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसी के साथ मेरी रेसिपी हो गई है कंप्लीट।